नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज का स्पेशल एपिसोड। आज हम बात करेंगे त्योंथर की। त्योंथर में मुख्यतः भाजपा की चुनावी बिसात पर, जिसे हमने एक शीर्षक दिया है, बीजेपी की काट सिर्फ बीजेपी। आइए विस्तार से इस पर बात करते हैं। संपूर्ण देश भर की निगाहें इस समय तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव पे टिकी हुई हैं। राष्ट्रीय पार्टियों की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस अपने आप को बहुमत में स्थापित करने की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं बाकी अन्य दल अपने अस्तित्व की लड़ाई में शामिल है। 2014 से चल रहे बीजेपी के स्वर्णिम काल को कायम रखने की कवायद में बीजेपी अपने कार्यों को बेहतर दिखाने में लगी है। प्रदेश स्तरीय नेताओं के भरोसे प्रदेशों को ना छोड़ राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे पुरोधा भी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी नीतियों का पीछा करते करते कांग्रेस ने भी जनता में भीतरी करंट प्रवाहित कर ही लिया है। परिवर्तन की मांग पर जोर देने वाली कांग्रेस के भी राष्ट्रीय तारणहार चुनावी सभाओं में अपना जादू बिखेरने में लगे हुए हैं। कहीं मुकाबला दो के बीच सीमित है तो कहीं त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। कहीं बात मुद्दों की है तो कहीं व्यक्तिगत लाचारी है। हम बात करें बिंध की तो यहाँ लोकतंत्र को लगी जाति की बीमारी है। रीवा जिले की सबसे चर्चित सीट त्योंथर पर सभी नेताओं की पैनी निगाह है। त्योंथर में अब तक भाजपा की तरफ से जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान जी वर्तमान मुख्यमंत्री एवं नंदगोपाल नंदी उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री भाजपा का आगमन हो चुका है। और कांग्रेस की तरफ से अकेले ही अजय सिंह राहुल नेता प्रतिपक्ष जी चुनावी सभा लेकर ये साबित करने से नहीं चूके कि रस्सी भले जल गई पर बल अभी बाकी है। भाजपा का त्योंथर में विशेष ध्यान चुनावी सभाओं या प्रचार को लेकर नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल को लेकर किया जा रहा है। भाजपा में आपने ही लोगों को कहते सुना होगा, हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल होता है। जब ऐसा है तो फिर ये धमाचौकड़ी कैसी। त्योंथर विधानसभा में प्रत्याशी बनने की शुरुआत से ही सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ मूल भाजपाइयों को मनाने में लगे हुए हैं। त्योंथर में भाजपा दो ग्रुपों में विभाजित है, ए और बी। ए ग्रुप में मूल भाजपाई हैं जो बहुत पहले से भाजपा खेमे में धुनी रमाए बैठे हैं, और ब्री ग्रुप में वो हैं जो अभी ताजा ताजा भाजपाई बने हैं। और जनता भी इन्हीं दो ग्रुपों के रगड़ घिस में परेशान है। कोई आता है तो कहता है कि कैसा भी हो सिद्धार्थ बीजेपी के हैं, उन्हें ही वोट करें। तो कोई आता है तो कहता है कि चाहे जिसको वोट करें पर बाहरी को मत देना, वरना वो पुराना 90 वाला दौर फिर से आ जाएगा। मजे की बात तो ये है कि दोनों तरह का प्रचार भाजपा बैनर तले ही हो रहा है। कुछ लोगों को नए बने भाजपाइयों से दिक्कत है तो कहीं किसी का सम्मान नहीं हो रहा। कुछ को 25 साल के वनवास का डर सता रहा है, इसलिए दूसरे दल को सत्ता सौंप कर ये तसल्ली करना चाहते हैं कि 5 साल बाद हम ही राजा बनेंगे। हालांकि इसमें कोई संशय नहीं कि नए बने भाजपाई पूरे मन से भाजपा की नीति रीति सीखने और प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनुभवी और पुराने कार्यकर्ता भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, पर पुरानों के मनोयोग में जनता कहीं ना कहीं कमी ढूंढ रही है। वहीं कांग्रेस और बहुजन पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार पूरे दमखम के साथ कर रहे हैं, जिससे जनता भी भ्रमित है अब, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से त्योंथर भाजपा की रिजर्व सीट रह चुकी है, तो जाहिर सी बात है भाजपा वोट बैंक यहाँ बहुतायत है। और पार्टियों की जातीय समीकरण ने ज्यादातर लोगों को जबरन भाजपाई
बना दिया है। एक विशेष जाति के कब्जे ने त्रुथर कांग्रेस की कमान लंबे समय से संभाली हुई है, जिसका दुष्परिणाम ही है कि त्योंथर में अकाल है। अब क्योंकि त्योंथर में आदिवासी और ब्राह्मणों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन किसी अन्य जाति खासकर ब्राह्मण का वोट कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं चाहिए, शायद इसीलिए ब्राह्मण बस्तियों में कांग्रेस का प्रचार प्रसार नहीं देखा जा रहा। ऐसा मैं नहीं, जनता का कहना है। वहीं बहुजन पार्टी भी बढ़िया विकल्प है, लेकिन जनता के बीच में ये चर्चा आम है कि बहुजन प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जी के आगे लोगों को घमंड दिखाई दे रहा है, और सत्ता कभी भी घमंडी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। अब इन सभी परिस्थितियों पर गहन विचार किया जाए तो यह सवाल स्पष्ट है कि भाजपा को सिर्फ भाजपा से ही खतरा है, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक सभी वर्गों में है, खासकर आदिवासी और ब्राह्मण। लेकिन अगर भाजपा ने अपने अंतर्द्वंद्व को नहीं संभाला तो भाजपा की रिजर्व सीट त्योंथर भी हाथ से जा सकती है। नई भाजपा और पुरानी भाजपा जब तक एक भाजपा नहीं बनती तो त्योंथर जीतना असंभव है। हो सकता है आप कही गई बातों से संतुष्ट ना हो, पर फिर भी वीडियो में कही गई बातें मेरी नहीं, त्योंथर की जनता की हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। अपना सपोर्ट देने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि आप तक हर जानकारी पहुंचती रहे। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।